जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड साइंस क्वेश्चन का पार्ट फोर लेकर, जो कि यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, आरआरबी, बैंकिंग, सीटेट एग्ज़ाम और भी जो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जिन भाइयों ने इसके पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और ये है हमारा पार्ट 4। तो आइए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 4, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक टीके की। क्वेश्चन नंबर 5, एड्स होने का क्या कारण है? टी फोर लिम्फोसाइट्स की कमी। क्वेश्चन नंबर 6, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची अरण्य की। क्वेश्चन नंबर 7, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। क्वेश्चन नंबर 8, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। क्वेश्चन नंबर 9, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 10, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 11, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर 12, कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिलिकोना से। क्वेश्चन नंबर 13, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम इन्फ्लोरेस्केंस। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 15, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। क्वेश्चन नंबर 16, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 17, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 22, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, बीमारियों से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। क्वेश्चन नंबर 25, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए, पहला प्रकाश संश्लेषण व दूसरा वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 27, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है?
तांबे की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 30, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 32, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33, बायोलॉजी के जन्मदाता किसे जाना जाता है? अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 34, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 36, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 38, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पाद से, फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 39, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कौन सा राज्य है एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। क्वेश्चन नंबर 42, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 43, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत बीमारी। क्वेश्चन नंबर 44, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर में। क्वेश्चन नंबर 47, गरीबों की गायें के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। क्वेश्चन नंबर 48, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? आयरन पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे अधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक बकरी। क्वेश्चन नंबर 51, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी के। क्वेश्चन नंबर 52, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। क्वेश्चन नंबर 54, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ओरिलिया को। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आद में पहुंचता है? कौन पहुंचता है? फीताकर्मी, सुअर। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 58, कैचुए में कितनी आंखें होती है? कोई आंख नहीं होती है, कोई नेत्र नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लुसिडम के कारण। क्वेश्चन नंबर 60, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का, मछली वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली, स्टोन फिश। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 65, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे विशाल जीवित स्तनपाई प्राणी है? नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 69, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। क्वेश्चन नंबर 70, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केसिका जल में। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। क्वेश्चन नंबर 72, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 74, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है वह कौन सा है? ऑक्सीजनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। क्वेश्चन नंबर 76, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 77, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 78, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंधाधुंध द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। यह वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा इसका आंसर गलत है, क्योंकि जो है यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंधत पीने योग्य पानी नहीं बचेगा, इसका आंसर ये है। तो ये जो आंसर है इसका गलत है, सही आंसर पानी पीने योग्य नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर, पांव के नीचे। क्वेश्चन नंबर 81, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा के रूप में, जो कि सनलाइट से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 82, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरु जांग, जिसे फीमर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। किससे? उत्ताप मापी, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। क्वेश्चन नंबर 84, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन।
ऑप्शन नंबर 85, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 87, तरंग का वेग वी आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? वी बराबर एन लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 88, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल में। क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 92, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण की। और प्रथम नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में मॉडिफाई किया जा सकता है। ये जो है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 93, कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 94, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 96, किसी मनुष्य के शरीर का ताप सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98.6 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 97, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। क्वेश्चन नंबर 98, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 100, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल की। क्वेश्चन नंबर 101, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। इसी के साथ दोस्तों हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इसी का जो अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।